सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये ग्रुप 16 का लास्ट हमारा टॉपिक रह गया था H2SO4 को या सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी बुलाया जाता है बिकॉज़ ये बहुत सारे रिएजेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं आल्सो ये बहुत हर एक ऑलमोस्ट कोई भी हम रिएक्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री में उस सब में हम H2SO4 को यूज करेंगे सो इसलिए हम इसे क्या बुला रहे हैं इट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स इंडस्ट्रियली हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज यू कैन सी 3 स्टेप्स जो है वो इंक्लूडेड है फर्स्ट स्टेप दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इट कैन बी डन बाय 2 मेथड्स जो सेकेंड वाला मेथड है जिसमें हम आयरन पाइराइट से ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पाइराइट से प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज अ बेटर मेथड क्योंकि वो ज्यादा यील्ड देता है सल्फर डाइऑक्साइड की ठीक है सो हम उसमें आयरन पाइराइट की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं टू गिव अस Fe2O3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो फर्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसकी हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टू गिव अस सल्फर ट्राइऑक्साइड ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे के पूरे प्रोसेस का इन दिस स्टेप यू हैव टू टेक केयर कि तीन चीजें हमको देखनी है एज यू कैन सी कि डेल्टा एच जो है नेगेटिव है राइट सो ये वाली जो रिएक्शन होगी बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो यील्ड ऑफ SO3 रिवर्सिबल रिएक्शन है अगर हम वेरी कर देंगे टेम्परेचर तो रिएक्शन इजीली रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में एट लो टेम्परेचर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द HRTS प्रिंसिपल ठीक है सो फर्स्ट जो कंडीशन हमको इसमें मेंटेन करनी है दैट इज लो टेम्परेचर द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी हाई ओके हाउएवर जो टेम्परेचर हम इसमें देखते हैं दैट टेम्परेचर इज केप्ट एट अराउंड 720 केल्विन ठीक है सेकेंड यहां पे रिएक्टेंट्स में हमारे पास 3 मोल्स हैं प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स हैं तो नीच एक्वियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हाई प्रेशर अगर हम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ सॉरी लोअर नंबर ऑफ मोल्स ठीक है सो हाई से 3 से 2 में जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो सेकेंड हमारी कंडीशन इसमें क्या होगी हाई प्रेशर द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन शुड बी केप्ट हाई ठीक है एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द कैटलिस्ट विच वी यूज ओवर हियर दैट इज वेनेडियम पेंटोक्साइड सो वेनेडियम पेंटोक्साइड काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें जल्दी मिलेगा थर्ड स्टेप में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को 98% H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं थोड़ी सी H2SO4 इसमें यूज होती है तो 98% H2SO4 के साथ जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है ओलियम ओलियम का नाम क्या होता है बताना जरा वो तो फॉर्मूला हो गया ना एक और नाम जब हमने स्ट्रक्चर्स करे थे तो उसमें हमने लिखा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड सो ओलियम इज ऑल्सो नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ठीक है ओलियम को फिर हम लोग वॉटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव अस सल्फ्यूरिक एसिड अल्टीमेटली अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बनता है इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज भी रहती है सो इसको जो गैसेस है उसको हम क्या करेंगे प्योरिफाई करते हैं गैसेस जो उसमें से वो तो एक्सपेल हो जाएगी जो H2SO4 बचा उसको हमें डिहाइड्रेट करना है तो डिहाइड्रेटिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फॉस्फोरस पेंटोक्साइड टू गिव अस द बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 ठीक है सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस व्हिच इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस देन नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 प्रॉपर्टीज जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कलरलेस डेंस एंड विस्कस इन नेचर विस्कस इन नेचर और इट बेक्स रूम टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट एज एन लिक्विड
Because of its viscous nature, it is also known as oil of vitriol. It is also known as oil of vitriol. Then, second, sulfuric acid has a strong affinity for water due to formation of hydrogen bonds with water. क्योंकि hydrogen bonds बना लेता है ये water के साथ, तो इसलिए solubility water में increase हो जाएगी. Affinity for water का यही मतलब हो गया, ठीक है. और secondly इसका H2SO4 का boiling point भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. जब भी हम लोग water और H2SO4 को react करते हैं या mix करते हैं, the reaction is highly exothermic in nature. The reaction is highly exothermic in nature, as a result of which we always, what do we do? Pani ko daloge acid ke andar? Ki acid ko daloge pani ke andar? Acid ko pani ke andar. Pakka? Kyun? Ma'am, kyunki wo bahut reactive hota hai, wo ma'am splash out ho sakta hai agar hum अगर हम पानी को H2SO4 के, तो जब भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट करना है तो हमेशा एसिड हैज टू बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, ठीक है. सो ऑलवेज फॉर डाइल्यूटिंग एसिड इज एडेड टू वाटर, ठीक है. देन थर्ड प्रॉपर्टीज अगर हम करें, द फोर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एसिडिक नेचर. क्यों एसिडिक नेचर? क्योंकि H2SO4 जो है वो इजिली डिसोसिएट करेगा टू गिव एच पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है. और इसकी जो के ए वैल्यू होती है दैट इज वेरी वेरी लार्ज. के ए क्या हुआ? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट या एसिडिक कॉन्स्टेंट बुलाते हैं. लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए, stronger is the acid, right? फिर उसके बाद second step में जो ये HSO4 negative है, ये dissociate हो जाता है into H positive and SO4 negative, और इसका जो Ka value है that is 1.2 into 10 raised to power minus 2. ठीक है, 1.2 into 10 raised to power minus 2. Now you can see over here कि दो different ions यहाँ पे बन रहे हैं. One which is HSO4, जिसको हम लोग bisulfate ion बुलाते हैं, and second is SO42 negative, जिसको हम sulfate ion बुलाते हैं. तो as a result of this, what is going to happen? दो तरह के या दो series of salts भी ये बनाता है. अगर हम H2SO4 को sodium के साथ react करें, तो ये हमें as you can see sodium bisulfate दे रहा है, okay. और अगर हम इसको further react करते हैं with another molecule of sodium, तो ये हमें क्या दे देगा? Sodium sulfate. Salts, sodium bisulfate and sodium sulfate. दो series of salts ये बनाता है, ठीक है. Bisulfate को हम hydrogen sulfate भी बुलाते हैं. Then another character जो इसका बहुत important है, that is the dehydrating nature. The dehydrating nature of H2SO4 is mainly due to what? It is mainly due to
affinity towards water. इस करके हम किसी भी चीज में से वाटर को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसको थोड़े से पानी इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड टेक्स अवे द वाटर फ्रॉम इट. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ दिस तो इसमें दो तीन फिनोमिनल है जिसके लिए इसको हम यूज करते हैं. नंबर वन इट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ गैसेस. राइट. अगर कोई भी गैस है जिसमें जो भी हम प्रिपेयर करते हैं जैसे हम ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहे हैं या हम नाइट्रोजन प्रिपेयर कर रहे हैं जो भी गैसेस हम प्रिपेयर करते हैं दे आर कलेक्टेड अंडर वाटर तो उसमें थोड़ा वाटर अमाउंट वाटर का रह जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देते हैं एंड दैट टेक्स अवे ऑल द वाटर. ठीक है. सेकेंड जो फिनोमिनल है दैट इज नोन एज charring of sugar. हम ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हम शुगर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे इमिडिएटली एक ब्लैक सा मास जो है वो बन जाता है. वो ब्लैक मास जो बनेगा दैट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ वॉटर फ्रॉम शुगर और सिर्फ कार्बन रह जाता है. सो वेन वी आर डूइंग द रिएक्शन this is sucrose. So इस reaction में आप देख सकते हो कि 11 molecules of water निकल गए और ये एक black mass रह जाता है. Right? And this black mass जो रह गया This is known as charring of sugar. Clear हो गया? उसी तरह से जब C2H5OH alcohol के साथ हम react करते हैं तो ethylene dehydration of alcohol takes place to give us ethylene. C2H4 plus H2O. C2H4 क्या हुआ? CH2 double bond CH2. ठीक है? Ethylene that is formed. Clear हो गया? So these are few reactions. फिर उसके बाद जो एक और बहुत important reactions है इसकी that is oxidation reactions. We say that this behaves sulfuric acid behaves as a good oxidizing agent. Oxidizing nature of sulfuric acid. Sulfuric acid क्यों oxidize करता है? Because sulfuric acid easily dissociate होता है into water plus sulfur dioxide plus nascent oxygen. ठीक है? अब ये जो यहाँ पे nascent oxygen बन रहा है ये nascent oxygen responsible है for the oxidation of various metals and non-metals. Mostly non-metals, metals कम है. So जैसे for example, it oxidizes carbon to carbon dioxide. So अगर हम reaction लिखेंगे H2SO4 प्लस कार्बन ये दोनों बाय प्रोडक्ट सेम होने वाले हैं H2O प्लस SO2 प्लस CO2. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह से इट इज गोइंग टू कन्वर्ट सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड. राइट. सो अगर हम H2SO4 की रिएक्शन कर रहे हैं थ्री एस तो ये हमें क्या दे देगा? इट विल गिव अस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर.
होने वाला रिएक्शन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही होना चाहिए, इससे आपको 4 ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड ही बनाता है, नहीं डाइऑक्साइड बनाता है। बैलेंस कर लो, ठीक है, बैलेंस करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद इट कन्वर्ट्स फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? H3PO4 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सो कितने SO2 आएंगे? 10। और वाटर मॉलिक्यूल्स देखो कितने आ रहे हैं? 20, 12, 8 बचा बैलेंस इक्वेशन, जस्ट चेक, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ दिस। अब मेटल भी ऑक्सीडाइज कर सकता है ये, जैसे कॉपर है, कॉपर को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट प्लस प्लस वाटर। सो कॉपर सल्फेट ये हमें हाइड्रोजन क्यों नहीं लिबरेट कर रहा जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो बाकी मेटल्स तो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन देंगे, तो ये क्यों नहीं दे रहा हमें हाइड्रोजन? इट इज गिविंग अ सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर, दैट इज बिकॉज एक्टिविटी सीरीज में कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई ऑल दोज मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, दे ऑल डू नॉट गिव हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये कैसे हुई? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर ओवर हियर इज 0 और यहां पे कितना आ रहा है? प्लस 2। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन, राइट। यूजेस देखो इसके, नोट्स के दिए हुए टैली करो सिर्फ। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एज वी जस्ट सेड, इट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, रिएजेंट की तरह यूज होता है बहुत सारी रिएक्शंस में। It is used in the fertilizer industry. It is used in the petroleum industry, refining ke liye. ठीक है? It is used in fertilizer industry. It is used in petroleum industries. It is used in dyes. Dyes बनाने के काम आता है. Drugs, paints. इन सबको बनाने के लिए H2SO4 की जरूरत पड़ती है। देन इट इज यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री टू मेक मेनी इन्यूमरेबल नंबर ऑफ केमिकल्स। ठीक है, और फिर उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज वेयर is used as a dehydrating agent. It is used as an oxidizing agent. ये सारे के सारे जो है ये इसके importance है, right? It is also used in manufacture of explosives like dynamite. Dynamite बनाने के काम भी आता है. Okay, with this we finish sulfuric acid and group 16. We go on to the next group, which is group 17. Group 17, right? Ab group 17 kya hai? That consists of halogens. Halogens hum isko kyun bulate hain? Because they are sea salt produce.
स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, ये दोनों के दोनों एज सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं और सी से मिलते हैं एंड मोस्टली ऑल द हैलोजन्स दे आर गोइंग टू बी कलर्ड. ठीक है, सो लेट्स सी फ्लोरीन. एस्टेटाइन, ओके, जहां पे एस्टेटाइन जो है दैट इज व्हाट रेडियोएक्टिव. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. हीलियम 2p5, नियॉन 3s2, 3p5, आर्गन 3d10, 4s2, 4d5, क्रिप्टॉन 4d10, 5s2, 5p5 एंड ज़ीनॉन 4n14, 5d10, 6p5, राइट. अब इसमें जो फ्लोरीन है दैट इज द 13th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, 13th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, वेयर एज क्लोरीन इज द 20th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, राइट. जनरली जो फ्लोरीन है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैल्शियम फ्लोराइड, राइट, और इसको हम बुलाते क्या है, फ्लोराइड ही बुलाते हैं. ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्रायोलाइट. दिस इज नोन एज क्रायोलाइट. ठीक है, और फिर उसके बाद क्लोरीन जो है उसको हम सबसे इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड NaCl और उसके अलावा कार्बोलाइट. इसको हम क्या बुलाते हैं, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी बुलाते हैं. ठीक है, और कार्बोलाइट इज अ डबल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. और फिर उसके बाद आ गया कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड से भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. जो ब्रोमीन है वो बहुत ही कम है, इट्स फाउंड इन ट्रेसेस, और जितने भी ब्रोमाइड्स हैं, KBr हो गया, NaBr हो गया, MgBr2 हो गया, उन सब से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हेन वी गो ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17, सो वी हैव डन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज. हैलोजन्स जो है दे आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. इनका साइज जो है वो सबसे छोटा है. हाउएवर जब हम फ्लोरीन से एस्टेटाइन पे जाएंगे तो साइज दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल शेल. सो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा. आयोडीन तक की पढ़ाई करनी है. एस्टेटाइन जो है दैट इज रेडियो एक्टिव, सो वी डू नॉट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टेटाइन. ठीक है, थर्ड आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम. Amongst all the elements of the periodic table, the halogens have the highest value of ionization energies.
ठीक है सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जीज इसकी है बिकॉज सबसे छोटा साइज जो है वो इसका है फिर उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जीज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप क्लोरीन की सबसे ज्यादा क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ठीक है फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रॉन गेन इन डेल्फी एज वी कैन सी ओवर हियर कि इस सारे में आउटमोस्ट में फाइव इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सबको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए सो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इन डेल्फी होती है अगेन इट इज मोस्ट नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव अमंगस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल ठीक है यहां पे जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए बट ऑन द कॉन्ट्ररी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है और फिर उसके बाद इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों कम है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाते हैं और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो अपने अंदर आने नहीं देता या रिपेल करता है सो इजिली हम एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ठीक है फिर उसके बाद फिफ्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है नाउ बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा इसके जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे वो सारे के सारे पोलर बनेंगे ओके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ड्यू टू स्मॉल साइज है स्मॉलेस्ट साइज न्यूक्लियस के पास रहता है आउटरमोस्ट शेल तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो आउटरमोस्ट शेल के ऊपर है वो ज्यादा रहता है और जब भी ये बॉन्ड करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसमें टेंडेंसी रहती है अट्रैक्ट शेयर पेयर को अपनी तरफ को खींचने ठीक है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाईएस्ट तो हम बोल रहे हैं पर जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे साइज बड़ा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती रहेगी सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ब्रोमीन एंड आयोडीन राइट अब पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन्स हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स आफ्टर एल्कली मेटल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिविटी इनकी है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑल ऑफ देम दे आर नॉन मेटल्स बिकॉज अलोंग अ पीरियड जब हम ट्रेवल करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है ठीक है सो ये क्योंकि लास्ट है नोबल गैसेस से पहले तो ये सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का इट डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स सॉरी टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स ठीक है क्योंकि ये डोनेट नहीं करता तो इट विल नॉट हैव एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं है तो मेटालिक हो ही नहीं सकता इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर ये क्या है इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है एंड इट इज द मोस्ट नॉन मेटालिक इन नेचर हाउएवर आयोडीन जो है वो एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो मेटल्स की शो करता है दैट इज लस्टर इट इज शाइनी राइट But otherwise, iodine also behaves as a non-metal only. So all of these they are going to be non-metals, right? जब हम इसकी trend करते हैं reactivity की, so let's see why it is very very reactive. Trends in, right? As we just said कि fluorine जो इसका है, halogens all together are very very reactive. But हम एक statement डालते हैं. Fluorine is the most reactive of all halogens.
most reactive of all halogens. क्यों ये सबसे ज्यादा reactive है? It is very reactive due to the following reasons. First जो reason है, that is low dissociation enthalpy. Low dissociation enthalpy. Dissociation enthalpy का मतलब क्या हुआ? कि जैसे हम fluorine को जब dissociate करने की कोशिश करते हैं into its atomic forms, तो fluorine की dissociation enthalpy is 158.8 kilojoules per mole. Right? जब हम नीचे की तरफ जाते हैं chlorine, chlorine की approximately 242.8 kilojoules per mole है. Okay? उसके बाद bromine की 192.8, iodine की 151.1, ओके, सो जब आप यहाँ पे ट्रेंड देखो क्या हम फॉलो कर रहे हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद और डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा है, उसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे छोटी है, तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी तो उसकी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड पैरामीटर्स हमने 11th में यही पढ़े हैं कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. अब बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन की सबसे छोटी है, तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हालांकि इसकी जो है वो सबसे कम है. दैट इज द रीजन इज अगेन ड्यू टू रिपल्शंस. रिपल्शंस जो इसमें होते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ड्यू टू स्मॉल साइज, उसकी वजह से हम फ्लोरीन को इजिली स्प्लिट कर सकते हैं. ओके, सो दैट गिव्स अस अ रीजन कि फ्लोरीन जो है वो क्यों इतना ज्यादा रिएक्टिव है. सेकेंड, इट हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट, इसकी वजह से भी हम ये इजिली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस करके रिएक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. ये हमने पढ़ा हुआ है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करते हैं या ईएमएफ सीरीज करते हैं उसमें फ्लोरीन को सबसे ऊपर रखा गया. राइट, ऐसा क्यों है? क्यों होता है रिड्यूस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नथिंग टू डू विद रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैज टू डू विद रिडक्शन. इलेक्ट्रॉन तो ये गेन करेगा, पर इसकी हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्लोरीन की ज्यादा है. बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हुई? ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये हुई कि आप खुद इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, खुद रिड्यूस हो रहे हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो जितनी इजिली इलेक्ट्रॉन एक कोई भी एलिमेंट लेगा वो उतनी इजिली दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है. क्लोरीन ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करता है अपने शेल में, तो फिर तो अकॉर्डिंग टू दैट क्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था. तो फ्लोरीन क्यों है? इट इज सेड कि जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है कि कितनी इजिली एक इलेक्ट्रॉन किसी भी उस पे शेल में इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ओके, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी. सो यू कैन राइट डाउन दैट ऑक्सीडाइजिंग नेचर अकॉर्डिंग टू बॉर्न हेबर साइकिल will depend upon three things. The first, that is dissociation enthalpy. Second is
Second is electron gain enthalpy. And third is hydration enthalpy. Right? So in tino cheezo ka delta H jab hum reaction se calculate karenge of the reaction. So delta H that should be the sum of all these three. Half of dissociation energy plus right अब dissociation enthalpy flowing की कम है electron हम comparison कर रहे हैं between fluorine and chlorine ठीक है electron gain enthalpy fluorine की ज़्यादा है और hydration enthalpy जब हम देखते हैं तो hydration enthalpy भी fluorine की ज़्यादा होती है low bond dissociation enthalpy because of weak FF bond very high enthalpy of hydration because of smaller size of F negative ion so jab hum add karenge ye positive hoti hai ye negative hoti hai ye negative ya positive kuch bhi ho sakti hai theek hai ab agar ye positive hai ye negative hai to delta H negative hona chahiye for the reaction to be stable जितनी ज्यादा डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू उतनी स्टेबल रिएक्शन होएगी ये पढ़ा है हमने क्लास 11 में ठीक है ना सो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी इसकी पॉजिटिव में है वो कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव में है वो भी कम नेगेटिव है पर हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव में है और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है तो जब हम इसका टोटल इफेक्ट इन तीनों का देखते हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो काफी नेगेटिव आती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फ्लोरिन as compared to that of chlorine, therefore fluorine is a better oxidizing agent. समझ में आ गया? Is it clear? Fluorine की जो hydration enthalpy होती है ना, वो chlorine से ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि जितना छोटा size होगा, उतनी hydration enthalpy जो है वो ज़्यादा होगी। तो fluorine F negative का size सबसे छोटा है, इसलिए उसकी hydration enthalpy सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है अगर फिगरेटिवली आप देखना चाहते हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है कितनी दी हुई है 158.8 तो हाफ ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी आ जाएगी 79 पॉइंट समथिंग 79.9 नहीं 79.4 आ जाती है ठीक है और इलेक्ट्रॉन वेरस क्लोरीन की अगर आप देखोगे ये हम फ्लोरीन का देख रहे हैं क्लोरीन की अगर आप देखते हो तो इट इज 142 है ना राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फ्लोरीन की दैट इज -333 -349 ओके और जो हाइड्रेशन है दैट इज -515 इसमें बहुत ज्यादा फर्क है आप देखो -381 ओके सो नेट इफेक्ट जब हम देखते हैं तो फ्लोरीन की -769 आ जाती है डेल्टा एच -769 Whereas जो क्लोरीन की डेल्टा एच की वैल्यू है दैट कम्स टू -609 सो जिसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो ज्यादा एनर्जी दे रहा है और अगर वो ज्यादा एनर्जी बाहर को फेंक रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ठीक है सो हैव यू अंडरस्टूड नाउ कि क्यों फ्लोरीन जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैन फ्लोरीन ऑल्दो फ्लोरीन की ये क्वेश्चन आ सकता है ऑल्दो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन ठीक है क्लियर हो गया ओके देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन ओके देन नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन formation of hydrides
ये सारे के सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, इसलिए इट विल फिनिश इन नो टाइम. हाइड्राइड से बनाता है ऑफ द टाइप HF, HCl, HBr एंड HR. राइट, ये चार हाइड्राइड्स बनाएगा. नंबर वन, फिजिकल स्टेट जब हम देखते हैं तो HF exists as a liquid, HF exists as a liquid, whereas baki sare gases hai, that is because of formation of hydrogen bonds. Due to formation of hydrogen bonds. अब क्योंकि ये hydrogen bonds बना रहा है तो क्या होगा, forces of attraction stronger होंगे, तो इसलिए ये exist कर रहा है as a liquid. Okay, बाकी सारे के सारे exist as gases. Second, boiling points. हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स साइज के साथ इंक्रीज करते हैं, राइट? सो बॉइलिंग पॉइंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, पर HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा है, और फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं. लार्जर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ HF इज अगेन ड्यू टू formation of hydrogen bonds. Hydrogen bonds की formation की वजह से HF associated molecule की तरह exist करता है, intermolecular hydrogen bonding है इसमें. एसोसिएटेड मॉलिक्यूल. नेचर ऑफ बॉन्ड्स जब हम करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन HF. नेचर ऑफ बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन HF, क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए HF जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाता है. तो जब हम बॉन्ड में करेंगे तो हम बोलते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो HF की सबसे ज्यादा है. ओके, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद HCl, HBr, HI. रीजन, साइज बड़ा होता रहेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होती रहेगी, और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होती रहेगी तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी कम होती चली जाती है. ठीक है, सो HF हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स. इसी के बेसिस पे नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दैट, व्हिच इज नोन एज थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ के ऊपर या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, है ना? सो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए. तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या ट्रेंड फॉलो करेगा, HF सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, यही होगी इसकी स्टेबिलिटी. ठीक है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑपोजिट, थर्मल स्टेबिलिटी इज ओके. सो HF जो है वो उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम, फिर HCl, HBr एंड HI. ठीक है, एंड देन सिक्स्थ, एसिडिक कैरेक्टर.
एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? The ease with which hydrogen can be liberated, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? Again on thermal stability. जितनी bond association energy कम होगी, उतनी easily hydrogen liberate होगा. So HI is the most acidic. And HF is least acidic. ठीक है? Is it clear? Yes.